अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा मॉडल या जो नेटवर्क मॉडल होता है, OSI लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इन लेयर्स के अंदर जो है वो उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो की पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि नेटवर्क मॉडल के अंदर जो है वो लेयर्स कौन कौन सी हैं, और वो लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, अच्छे तरीके से डिटेल करेंगे उनकी, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके फीचर्स, इनके टास्क क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, OSI लेयर के अंदर हमारे पास कुछ जो है नेटवर्क मॉडल के अंदर एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा मॉडल जिसको हम लोग बोलते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैं इसकी एब्रिवेशन लिख देता हूं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी प्रोटोकॉल्स, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा मॉडल है बेसिकली कि जो हम नेटवर्क के ऊपर कोई भी जो हम मैसेज भेजते हैं, हम एक डाटा पैकेट भेजते हैं, एक्चुअली हम तो नहीं, वो हमारी डिवाइस ही भेज रही होती है, लेकिन वो डाटा पैकेट जो है वो किस किस फेज से होकर गुजरता है और उसमें कौन कौन सी लेयर है नेटवर्क के ऊपर, कौन कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सी ऐसी शख्सियत है, ऐसा कौन सा पर्सन है, कौन सा फर्द है कि जो उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, वो जो चीज़ें, वो जो बेसिकली पर्सन या वो जो शख्सियात हैं, वो जनाब वो क्या है, वो कुछ लेयर्स हैं नेटवर्क की जिनको हम लेयर्स बोलते हैं बेसिकली। वो लेयर्स अपना अपना काम करती हैं, तो वो हमारा जो एक मैसेज है, वो हमारा जो एक डाटा पैकेट है, वो किसी एक जगह से सेंड होकर दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन, अदरवाइज वो कभी भी जो डाटा कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है अगर ये लेयर्स उसमें काम ना करें। उसमें कुछ लेयर्स हैं, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पहले दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि जी OSI मॉडल लेयर्स, हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर OSI मॉडल लेयर्स सारी नहीं है, हमने इस नेटवर्क लेयर्स में से कुछ जो है वो पढ़नी है, चार या पांच पढ़ेंगे, तो हम सारी जो है वो डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसमें एक तो सात की सात जो लेयर्स हैं वो काम कर रही होती है नेटवर्क पे, नो डाउट, लेकिन हमारे सिलेबस में जो कि पाँच हैं हम उनके बारे में जस्ट पढ़ेंगे, बाकी का इंट्रोडक्शन मैं आपको जरूर दे दूंगा, जिसमें सबसे पहली जो लेयर है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जी, वो एप्लीकेशन लेयर है, देन प्रेजेंटेशन लेयर आती है, फिर सेशन लेयर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये सात लेयर्स जो हैं वो काम कर रही होती हैं, जिसमें अपर जो थ्री हैं उनको अपर लेयर्स भी कहा जाता है, और जो नीचे वाली बॉटम में होती हैं चार, उनको लोअर या लो लेयर्स भी कहा जाता है। सेंटर वाली लेयर को अक्सर ये भी कहा जाता है कि OSI मॉडल का वो एक बेसिकली समझ लीजिए हार्ट है, हार्ट ऑफ द OSI मॉडल, उसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है जी, ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है बेसिकली के उस ट्रांसपोर्ट लेयर का, लेकिन एक्चुअली हम लोग अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली बुक में दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास एक लेयर है एप्लीकेशन लेयर, देन हमारे पास जी है यहां पे ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में, फिर डेटा लिंक लेयर, एंड लास्ट पे एक लेयर है फिजिकल लेयर। ये हमारे पास जो सिलेबस में है ये पांच है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। अब ये लेयर्स क्या हैं, इनका क्या काम है, हम वन बाय वन वो देखते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो नंबर वन पे है जी एप्लीकेशन लेयर, डेटा इस तरफ से ऐसे ट्रेवल कर रहा है, यानी कि डेटा तो बेसिकली जो भी है ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर या लेफ्ट टू राइट, जहां पे भी ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसमें लेयर्स का जो सीक्वेंस है, वर्किंग सीक्वेंस होगा, इट विल बी दिस। उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर अपना काम करेगी, नेक्स्ट उस कम्युनिकेशन में ट्रांसपोर्ट लेयर अपना जो भी करदार है, जो भी करेक्टर है, वो उसको देखेगी, फिर उसके बाद नेटवर्क लेयर आ जाएगा, इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास डेटा लिंक और लास्ट पे फिजिकल लेयर है। ठीक है, जिसमें जरूरी नहीं है कि एक कम्युनिकेशन के अंदर सारी लेयर्स ही काम कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका नेटवर्क बहुत छोटा है, मींस के एक सिंपल सी कम्युनिकेशन है, मींस के एक ऐसा डाटा का ट्रांजैक्शन है जिसमें हम दो डिवाइसेस जो हैं वो बिल्कुल आसपास बैठी हैं, बिल्कुल पास हैं, तो आपस में दो लोगों ने एक दूसरे को मैसेज भेजा है या एक दूसरे को साथ उन्होंने कम्युनिकेशन की है, कन्वर्सेशन की है या फाइल को शेयर किया है, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि सारी की सारी लेयर्स ही एक्टिव मोड में बैठी हों, कुछ लेयर्स को काम नहीं करना पड़ता। तो वो खैर हम अब लोग देखते हैं कि जी असल में ऐसा क्या है, कौन सी लेयर कैसे काम करती है और ये एक्चुअली मॉडल क्या है। देखिए जी, मॉडल के अंदर
सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आती है वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली क्या करती है कि जब हम लोगों ने कोई भी मैसेज, कोई भी कम्युनिकेशन करनी है, तो हम लोगों ने मैसेज अपने आंसर सपोज भेजना है, उसको वो कंपैरिजन कर रहे हैं एक पोस्टल सिस्टम के साथ। मैं आपको पहले पोस्टल सिस्टम बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम एक्चुअली क्या पढ़ने लगे हैं। ये नेटवर्क मॉडल क्या है? एक ऐसा नेटवर्क मॉडल जो कि बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल भी कहलाता है। जब हम कोई भी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन करवाते हैं, कोई भी मैसेज, फाइल, डॉक्यूमेंट किसी एक बंदे से, मतलब एक सेंडर से रिसीवर की तरफ जाती है या हम भेजते हैं, तो उसमें कौन कौन सी लेयर, कौन कौन सी वो मतलब कैरेक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, उस चीज़ को संभाल रहे होते हैं, उसमें देख कर रहे होते हैं, देखभाल कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहला है जी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? इसका जस्ट इतना टास्क होता है कि जो मैसेज को रेडी करवाएगा, मींस के सपोज आपको ये मैसेज है ना, तो इस मैसेज को जस्ट रेडी करवाना इस लेयर का काम है। पहले मैं वो पोस्टल सिस्टम साथ में एक्सप्लेन कर देता हूं। कंपैरिजन ये होगा, हमारी रियल लाइफ में जब हम लोगों ने पोस्टल सिस्टम के ऊपर क्या करना होता है जी, हम लोगों ने डाक भेजनी है सपोज किसी को, ठीक है, लेटर भेजना है, तो उसका पैटर्न ये होगा कि सबसे पहले मैं घर में जब बैठूंगा तो मैं वो एक ब्लैंक पेपर पे या किसी भी चीज़ पे मैं वो सारा अपना मैसेज जो है वो अपना एक्चुअल कॉन्टेंट जिसको हम पे लोड भी बोलते हैं वो लिख दूंगा। उस मैसेज को बनाकर, उस पेपर को बनाकर मैं एक एनवेलप में पैक करूंगा और उसके हेडर के ऊपर अपनी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड दिस, हम उसको पहले से बेटे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, कि जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि एक मैसेज के दो हिस्से हैं, एक पेलोड और एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मैंने पेलोड रेडी किया, यानी कि वो लेटर लिखा, उसको एनवेलप में बंद किया, ऊपर इन्फॉर्मेशन लिख दी जिसको मैंने मैसेज भेजना है, और मैंने अपने नियर अबाउट जो भी घर के पास कोई पोस्ट ऑफिस होगा वहां पे गया, ठीक है, मेरे टाउन के पास, मेरे मोहल्ले में जो भी होगा वो पोस्टल सिस्टम, वहां पर गया मैंने, वहां पे जाके उस बॉक्स के अंदर जो पोस्ट बॉक्स होता है वहां पे जो ऑफिस के बाहर लगा होता है मोस्टली, उसके अंदर मैंने वो ड्रॉप कर दिया। मेल बॉक्स के अंदर जब मैं वो ड्रॉप कर दूंगा तो मैं तो चलें जी उसको ड्रॉप करके वापस आ गया घर। अब क्या होगा, अब एक नेक्स्ट बंदा आएगा, मेरा काम हो गया। अब उस मैसेज को मैंने लाहौर से सपोज इस्लामाबाद भेजना है, लाहौर से इस्लामाबाद भेजना है, तो लाहौर में मैंने वो अपने नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस के अंदर ड्रॉप बॉक्स के अंदर वो ड्रॉप कर दिया, मींस कि वो जो बाहर एक बॉक्स लगा होता है, वहां से एक डाकिया आएगा, यानी कि उन्हीं का एक फर्द आएगा, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा होगा वो वहां का वर्कर एक आएगा, एम्प्लॉय आएगा, देखेगा, वो लेटर निकालेगा, वो देखेगा कि यार इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन ठीक लिखी हुई है, मींस कि मैंने जहां पर इसको जाके हमने भेजना है, हमारी कंपनी ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने, क्या इसके ऊपर सारी डिटेल्स मेंशन है। वो ध्यान से चेक कर लेगा कि भी हाँ जी सारा ठीक है, क्लियर है, ओके, अंदर जाएगा। अगर तो वो क्लियर है तो फिर हम रिलाई कर सकते हैं, अगर हमारी तरफ से वो सारा चीज़ें ठीक से क्लियर हैं तो फिर वो सारा उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा कि भाई ये ठीक है, इसको ये सेंड होने के काबिल है, भाई एप्लीकेबल है, इसको हम भेज सकते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी तो वो वहीं से वापस आ जाएगा, वो मैसेज हमारे उसी वक्त, क्योंकि हमारा भी डेफिनेटली सेंडर का भी कुछ ना कुछ डिटेल्स लिखी होती हैं, तो वो कहेगा कि यार ये रिसीवर तक नहीं पहुंच सकती, इसके ऊपर तो डिटेल्स ही पूरी नहीं है, नंबर ही नहीं लिखा हुआ, नाम अता पता कुछ नहीं लिखा हुआ, तो वो वापस मैसेज हमारे पास आ जाएगा या वो मैसेज को वेस्ट कर दिया जाएगा इनकेस अगर हमने अपनी भी डिटेल्स वहां पर मैंशन नहीं की हुई। तो खैर वो मैसेज वहां से निकलेगा, पोस्ट ऑफिस में दोबारा अंदर ऑफिस में लेके जाया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, उसके ऊपर कुछ अपनी स्टैंप्स वगैरह लगा दी जाएंगी, कुछ उसके ऊपर टोकन वगैरह लगा दिया जाएगा, टोकन नंबर, और वहां से उसको कम्युनिकेशन यानी कि आगे फर्दर ट्रैवल करने के लिए भेज दिया जाएगा। मींस के वहां से निकालेंगे, हमारे नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस से निकाल कर उसको लाहौर के अंदर, उस सिटी के अंदर जो मेन सर्वर, मेन जो उनका पोस्ट ऑफिस होगा वहां पर जाकर उसको प्लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये आउट ऑफ सिटी जाना है या अगर आउट ऑफ कंट्री जाना है तो इसके लिए डिस्टेंस ज्यादा होने पे उनको मेन पोस्ट ऑफिस में भेज दिया जाता है, ना कि उसी पोस्ट ऑफिस से आगे इस्लामाबाद की तरफ वो ट्रैवल करेगा। वो मेन पोस्ट ऑफिस में जाएगा, वहां पर देखेगा कि जी इसके अंदर सारी डिटेल्स फिर से पूरी है, ठीक है जी, फिर वहां से एक बंदा उठाएगा, अब एक नया करेक्टर आया, वो वहां से उठाएगा और उसको बाय रोड, बाय ट्रैक, यानी कि बाय रोड कह सकते हैं, बाय एयर, बाय वाटर, कैसे भी वो उसको वहां से लेकर आगे ले जाएगा। वो मैसेज जो है वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ऑडियो वीडियो, वो कुछ भी हो, पैटर्न सारा सेम है। इस्लामाबाद लेके जाया जाएगा, इस्लामाबाद में मेन पोस्ट ऑफिस में उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा, वहां से फिर एक करेक्टर नया आएगा, एक नया पर्सन, एक नया एम्प्लॉय उठेगा, वो उसको वहां से लेटर को पकड़ेगा और जिस रिसीवर की इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखी है, जिसको मैंने भेजा है मेरे दोस्त को, वो उस दोस्त का देखेगा कि यार इसका एड्रेस क्या है, अच्छा जी इसका फलां फलां एड्रेस है, तो वो वहां से मेन पोस्ट ऑफिस से उसके नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस में जाके उसको प्लेस कर देगा और वहां से फिर एक करेक्टर उठेगा, वो फिर उस मैसेज को देखेगा कि ठीक है जी ये तो हमारे मोहल्ले का लेटर है, ठीक है जी हमारे पास पहुंच गया, ये फलां जगह से आया, ओके, वो अपनी रिकॉर्ड में मौजूद कर लेगा उसको, यानी कि सेव कर लेगा और वहां से वो लेटर उसके घर में जाके भेज देगा, सेंड कर देगा, यानी कि उसको वहां पे जाके वो रिसीविंग हो जाएगी उस बंदे को।
ये एक फ्लो है। इसी तरह से मैसेज भी ट्रेवल करता है। मैंने अपने मोबाइल से सपोज या मैंने एक अपनी डिवाइस से एक मैसेज रेडी किया, उस मैसेज को कौन देख रहा है जी, एप्लीकेशन लेयर। इस एप्लीकेशन का लेयर जस्ट इस लेयर का काम सिर्फ इतना है कि इसने क्या करना है, अपने उस मैसेज को उस कंटेंट को रेडी करवाना है। वो क्या टाइप ऑफ नेटवर्क होगा, कहाँ पे ट्रैवल करेगा, इसका बिल्कुल काम नहीं है, इसके बारे में वो बॉदरिंग बिल्कुल नहीं लेती। ये एप्लीकेशन लेयर इतनी सादा सी है, इसने जस्ट मैसेज देखना कि रेडी हो गया, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन आ गई है, इट्स ओके। जब ये सारा काम हो जाएगा, मैसेज लिख दिया जाएगा, टाइप कर दिया जाएगा, हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दी जाएगी, सेंडर का नाम, रिसीवर का नाम, हर तरह की इन्फॉर्मेशन ऊपर मेंशन कर दी गई है, इसके बाद इसका काम खत्म और ये नेक्स्ट लेयर को भेज देगी। किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर जिसने बेसिकली इसको आगे अब ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है जी। और तब जब ये सारा काम ठीक से मेंशन है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन में एक भी चीज मिसिंग हुई, तो ये क्या करेगी, एप्लीकेशन लेयर ही उसको आगे जाने नहीं देगी। ये सिर्फ तब जा सकती है जब सारी डिटेल्स मेंशन है। जैसे मैंने अभी पोस्टल सिस्टम में बताया, साथ कंपेयर कर लेते हैं। अगर तो वो जो हमने अपने नियर अबाउट पोस्ट ऑफिस में मैंने लेटर भेजा था, अगर वो देखेगा कि भाई इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो उसको आगे नहीं भेजेगा, अंदर ऑफिस में लेकर ही नहीं जाएगा, उधर ही आप छोड़ देगा, फेंक देगा या फिर गायब कर देगा। या सेंडर की अगर डिटेल्स लिखी है तो सेंडर को वो बैक कर देगा। तो एप्लीकेशन लेयर भी ऐसे ही करती है, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है तो ट्रांसपोर्ट लेयर को भेजेगी, अदरवाइज उसको वहीं पे वेस्ट कर देगी, या वो जो भी कर दिया वो खैर अभी हमारा काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी जी, वो ट्रांसपोर्ट लेयर उसको चेक करेगी कि ठीक है जी, इसके ऊपर सारे डिटेल्स मेंशन है, अब मेरा काम आगे शुरू हो गया, वो उसको आगे ट्रैवल करवाना शुरू करेगी। मींस के समझ लीजिए कि वो ऑफिस में गया, उसके ऊपर वर्किंग हुई, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे मैसेज को, मैं रीडिंग कर देता हूं, कि ट्रांसपोर्ट लेयर एनेबल्स कनेक्शन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। तो वो जो क्लाइंट का मैसेज था उसको अंदर सर्वर के पास लेके जाया जाएगा, मींस के अंदर पोस्ट ऑफिस के, अभी वो मेन पोस्ट ऑफिस नहीं है चाहे तो, लेकिन वहां पर जाके उसके ऊपर फर्दर वर्किंग की जाएगी। वो मैंने आपको पहले बोला कि मैसेज टेक्स्ट हो, ऑडियो वीडियो कुछ भी है, वो किसी भी तरह का कॉन्टेंट है, नेटवर्क के ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो जो भी चीज़ है उसके ऊपर वर्किंग करके क्या कर दिया जाएगा, सेम मैथड के साथ उसको आगे ट्रैवल करवा दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको सेम मैथड से आगे ट्रैवल करवाएगी। बाकी क्लियर, हमारी यहाँ पर प्रेजेंटेशन मिसिंग है, हमारी यहाँ पर सेशन लेयर मिसिंग है, लेकिन वो हमने पढ़नी नहीं, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। अदरवाइज जैसे मैंने बोला कि वो लेटर जब अंदर ऑफिस में जाएगा ना, तो उसके ऊपर टोकन नंबर लगेगा, सेशन लगेगा, तो वो सेशन लेयर का भी यही काम होता है, वो एक टोकन नंबर जनरेट करती है और फिर डाटा को फ्रेम्स की सूरत में डिवाइड करके डाटा पैकेट्स बनाकर आगे भेजा जाता है। लेकिन खैर वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसीलिए उन्होंने वो चीज भी ऐड साथ नहीं की, क्योंकि रियल लाइफ में उसके सेगमेंट्स नहीं बनाए जाएंगे, वो एक ही बॉक्स होगा और उसको बस आगे भेज दिया जाएगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर बहुत सारे लोगों ने, किसी ने इस्लामाबाद, किसी ने कराची, किसी ने इस्लामाबाद में बाबला टाउन में, किसी ने इस्लामाबाद में फर्ज के लिए मॉडल टाउन में भेजना है, तो वो एरिया वाइज फ्रेम्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं कि भाई ये इस पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर जाने वाले हैं, ये जो लेटर्स हैं 10 कुछ इस एरिया में जाने वाले हैं, तो इस तरह से उसके ऊपर वर्किंग होती है। खैर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो क्या करेगी जी, अगर सारा काम पीछे से कंप्लीट है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर रिलाई कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर उसको आगे फर्दर ट्रैवल करवाएगी, वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान का कनेक्शन करवा रही है। फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइस पे एक मैसेज रेडी किया, मैंने लिखा, एप्लीकेशन लेयर उसको पास कर दिया, अब आगे वो राउटर तक जो पहुंचाने का काम है, क्लाइंट को सिस्टम, मेरे सिस्टम को मेरे घर के राउटर के ऊपर पहुंचाने तक का जो काम है वो ट्रांसपोर्ट लेयर करेगी, वो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान का कनेक्शन करवा रही है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना भी देता हूँ कि ये सपोज एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान की कम्युनिकेशन होनी है, घर का राउटर एक ये है, घर का राउटर एक ये है, ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने, एप्लीकेशन ने मैसेज रेडी करवाया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसको यहाँ पर भेजा, ठीक है जी। अब इससे आगे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर का काम शुरू हो जाएगा। नेटवर्क लेयर कनेक्शन करेगी नेटवर्क टू नेटवर्क। आप समझ लीजिए कि ये लाहौर का पोस्ट ऑफिस है और ये इस्लामाबाद का पोस्ट ऑफिस है, तो दोनों पोस्ट ऑफिसेज के दरमियान में जो कम्युनिकेशन होती है वो जिस बंदे ने करवाया वो यहाँ पे नेटवर्क लेयर है, कि वो राउटर टू राउटर जो मैसेज का बेसिकली ट्रांजैक्शन है ना, जो मैसेज को यहाँ से यहाँ पर भेजना है, वो काम किसने करना है, नेटवर्क में। ये नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है, ये एक ऐसी लेयर है जो नेटवर्क्स को आपस में मिलाती है, राउटर टू राउटर, सर्वर टू सर्वर, ये इस तरह के सारे जो काम है ऊपर वाले लेवल के, जो उसने एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाना है, मेंटेन करवाना है, वो सारा काम किसका होता है, नेटवर्क लेयर का। नेटवर्क लेयर जब इसको काम कर लेगी तो उसके बाद फर्दर यही फ्लो सेम इस तरफ भी चल रहा है, ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर ने इस तक पहुंचाना है, एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज को देखना है, ये सारी जो लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक साइड पे काम नहीं कर रही या यहां से इस तरफ नहीं जा रही, ये इस तरफ का मॉडल अलग है, इस तरफ का मॉडल अलग है, यहां का कनेक्शन जस्ट इनका कॉमन होता है। नेटवर्क लेयर दोनों तरफ काम करती है, वो दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ती है, जबकि बाकी के दोनों फ्लोज
वो अलग हैं, वो दोनों फ्लो काम कर रहे होंगे, यहां से भी ओएसआई मॉडल यानी कि जो नेटवर्क मॉडल की लेयर्स हैं काम कर रही होंगी और इस तरफ से भी कर रही होंगी, ये दोनों तरफ काम चालू है, ठीक है जी। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर क्या करती है, सपोज वो क्या करेगी जी, वो जो भी डेटा पैकेट्स आएंगे उनको आगे ट्रैवल करवाना शुरू करेगी, वो जो डेटा बेसिकली हमने ट्रैवल करवाना है, हमने एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना है, वो जो कैरियर है हमारा, वो चाहे वैन है, साइकिल है, बाईसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है, वो बेसिकली जो सारा काम है वो डेटा लिंक लेयर करती है। वो सपोज कर लें कि एक कैरियर जो होता है ना, कार्गो जैसे होता है, कार्गो क्या करती है जी कि हमने सामान उसके ऊपर बिल्डिंग किया, ठीक है, सामान को हमने वहां पे प्लेस कर दिया जो भी हमारा लगेज था सारा, और उसके बाद वो वहां से आगे ट्रैवल करना शुरू कर देगा। वो जो कैरियर है ना इटसेल्फ, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डेटा लिंक। तो डेटा लिंक क्या करेगा, आपके क्लाइंट को सर्वर तक या सर्वर से जो भी आगे सर्वर तक जाना है, सर्वर से क्लाइंट्स तक डेटा जाना है, वो डेटा लेकर जाने वाली जो लेयर है, डेटा को हैंडल करने वाली, उसको फ्रेम्स में छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करने वाली जो लेयर है वो कौन सी है, डेटा लिंक लेयर। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स लास्ट पे आ जाएगा जी हमारे पास फिजिकल लेयर, और यही मैं बात कर रहा था कि हर लेयर जरूरी नहीं है कि एक्टिव हो। फिजिकल लेयर जस्ट तब काम करती है जब कोई फिजिकल मीडिया, हमने कोई ऑप्टिकल फाइबर केबल, हमने कोई इथरनेट की केबल, हमने कोई इस तरह की कोई केबल यूज की हो, तो तब ये वर्किंग करती है और ट्रांसमिशन मीडियम को कंट्रोल कर रही होती है। ट्रांसमिशन मीडियम ही है ना बेसिकली केबल, या दूसरा हमने मीडियम क्या पढ़ा था जी, हमने दो तरह के मीडियम पढ़े हुए हैं कि एक तो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं और एक हमारे पास कौन से होते हैं, फिजिकल, यानी कि जिसमें हमारे पास कुछ वायर्स आ जाती हैं। तो ये इनकी जो कंट्रोलिंग होती है सारी, वो फिजिकल लेयर देख रही होती है। अगर वो हमने यूज़ किए हैं तो अगर सिग्नल्स के जरिए से सारा काम हो रहा है, लॉजिकल डाटा के जरिए से, वर्चुअल डाटा के जरिए से, तो ये एक्टिव नहीं होती। अदरवाइज इसका काम जो है वो सिर्फ फिजिकल लेयर्स की हद तक ही रहेगा, फिजिकल केबल्स की हद तक ही रहेगा। ये था स्टूडेंट आपका नेटवर्क मॉडल, जिसमें हमने 5 लेयर डिस्कस की हैं। मैसेज को रेडी करेगी ये, क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाएगा, मींस के आपके जो लोकल जो पोस्ट ऑफिस है उसका और आपके मेन पोस्ट ऑफिस यानी कि जो लाहौर का मेन पोस्ट ऑफिस होगा वहां तक का जो कनेक्शन है। सपोज कर लें इसके अंदर घर से, अब मैं थोड़ा सा दोबारा चेंज कर रहा हूँ, ये मैसेज घर से सिस्टम से घर के राउटर पे, और घर के राउटर से ये आपके मेन राउटर पे जो आपके कंट्री का या आपके पूरे शहर का सर्वर है वहां तक गया है। तो ये काम ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। सर्वर टू सर्वर जो कनेक्शन होता है, जो नेटवर्क्स का आपस में कनेक्शन होता है, वो नेटवर्क लेयर करती है। डेटा लिंक लेयर डेटा को हैंडल करेगी, जस्ट डेटा पैकेट्स को उनके फ्रेम्स बनवाएगी और कैरियर के तौर पर काम करते हुए डेटा को ट्रैवल करवा देगी। एंड फिजिकल लेयर सिर्फ तब एक्टिव होगी जब आप कोई फिजिकल मीडिया यूज कर रहे होंगे। ये था जी नेटवर्क मॉडल का टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।